हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जीकेजीएस का पार्ट नंबर 25 करेंगे, जो कि आपके एनएमडीसी रिक्रूटमेंट, वर्कमैन और जूनियर ऑफिसर दोनों एग्जाम में आपके काम आने वाला है। तो ये वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इन सवालों के नोट्स बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस एग्जाम में पूछने जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पहली बार हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। दूसरा, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था लास्ट वीडियो में, तो पहले उस पर हम चर्चा करते हैं, फिर आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि नवंबर 2016 में जारी किस भारतीय बैंक नोट में पीछे की तरफ मंगलयान है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, इसका राइट आंसर है वो है 2000 का नोट, जो कि पिंक कलर का है, ठीक है ना, इसी के पीछे मंगलयान का बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अब आज का हमारा पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय हुई थी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु डेड प्लेइंग चौगान, इसको हम पोलो ही बोलते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, क्या खिलजी था, या तुगलक था, या गयासुद्दीन तुगलक था। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको लाल बख्श की उपाधि दी गई थी क्योंकि दान वगैरह बहुत ज़्यादा करता था उसने, और इसने गुलाम वंश की स्थापना भी की थी भारत में 1206 ईस्वी में। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। हु अपॉइंट्स ए गवर्नर इन इंडिया स्टेट्स। तो फ्रेंड्स, सब जानते हैं हर राज्य में एक राज्यपाल होता है, तो उसकी नियुक्ति कोई ना कोई करता होगा, कोई ना कोई तो उसको अपॉइंट करता होगा। कौन करता है उसको अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेसिडेंट, जो कि वर्तमान में कौन है, श्री रामनाथ कोविंद जी। दूसरा, छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल कौन है, या मुझे बताएंगे होमवर्क में, किस में, होमवर्क में यानी कमेंट में मुझे बताएंगे छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को कहते हैं। द गैसेज मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन इज कॉल्ड। तो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और N2, ये हमसे पूछा गया, इसको हम क्या बोलते हैं। तो एक CO प्लस N2 होता है और एक CO प्लस H2 होता है। तो CO प्लस N2 में से यहाँ पूछा गया नाइट्रोजन, तो ये इसका हम आंसर लेंगे प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन नंबर सी। और अगर यहाँ H2 कर देते हैं, इसकी जगह पर अगर हम H2 कर देंगे तो जाएगी वाटर गैस, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो ये आ रखना है आपको, इस पर कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को, CO प्लस N2 प्रोड्यूसर गैस, CO प्लस H2 वाटर गैस, ठीक है ना। अब वाटर गैस कैसे, देखो H2O वाटर होता है, H2 आता है ना उसमें, तो आप ऐसे इसको कॉमन सेंस कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का, तो आप देखते होंगे आदमियों की आवाज़ होती है थोड़ी भारी होती है, जबकि जो महिलाओं की आवाज़ होती है थोड़ी सुरली होती है, इसे सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। ले जिनके सोना बाबू जिनकी होंगी और आदमी बात करते होंगे तो अच्छा लगता होगा उनको बात करने, अपनी सोना बाबू से कितनी प्यारी प्यारी आवाज़ आ रही है, आपकी आवाज़ खो गया हूँ मैं तो, है ना, ऐसे ऐसे करते हैं ना, लेकिन लाइफ बर्बाद कर रहे हैं अपने, कुल मिला के मुद्दा ये होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे एक साइंस है, इसके पीछे एक साइंस है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो महिलाओं की आवाज़ होती है ना उसका जो पिच होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और हमारा जो मेल लोग होते हैं उनका पिच बहुत कम होता है, इसलिए हमारी आवाज़ भारी होती है। जितना ज़्यादा पिच होगा उतनी ज़्यादा सुरीली आवाज़ निकलेगी, समझ लीजिए। तो राइट आंसर होगा हमारा तारत्व अधिक होता है महिलाओं की आवाज़ का, ऑप्शन नंबर डी, और पुरुषों का तारत्व कम होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया। हु लेट द बारदोली सत्याग्रह 1928। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह किसानों के लिए किया गया था, नहीं ये मजदूरों के लिए, फैक्ट्री मिल वालों के लिए किया गया था, और वहीं पे वहीं की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी, इससे पहले इनके नाम के सरदार नहीं लगा हुआ था। तो समझिए कि कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। इन विच ईयर वाज द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम संग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम का पूछा गया है। तो वंदे मातरम, इसके पहले बात तो ये पता चाहिए इसे लेखक कौन है, इसे लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है ना। और इसको सबसे पहले गाया गया था कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में 1896 में, वहीं पर इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। प्रोवाइड्स ए वैरायटी ऑफ अट्रैक्टिव कलर्स टू फ्लावर्स एंड सीड्स। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट, ये बहुत कन्फ्यूजिंग सवाल होता है और अक्सर एग्जाम पूछा जाता है।
तो फ्रेंड आप देखते होंगे फल और बीजों के अलग अलग तरह के रंग होते हैं, तो वो रंग देता कौन है उनको, उसको तो पिगमेंट होता होगा उसके अंदर, उस पिगमेंट को बोला जाता है क्रोमोप्लास्ट। ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया है? रिसेंटली विच यूनियन टेरेटरी हैज बीन डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया जाता है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 24 मार्च को, ठीक है ना। और भारत ने जो लक्ष्य रखा है टीबी खत्म करने का वो 2025 का रखा है कि 2025 तक हम टीबी को भारत टीबी मुक्त भारत हम कर देंगे। और इसको अभी पूरा खत्म कहाँ हो गया, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो है आपका लक्षद्वीप। यहाँ पे ये ट्यूबरकुलोसिस बीमारी खत्म हो चुकी है, अब यहाँ पे कोई बीमारी नहीं है इसकी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कुद्रेमुख आयरन मिनरल्स प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, कुद्रेमुख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लौह इस्पात के निर्यात में, ठीक है ना। और यहाँ का जो लौह इस्पात सबसे ज़्यादा जापान में क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है, जो कुद्रेमुख आयरन मिनरल प्रोजेक्ट है, ये आपके स्टेट है कर्नाटका में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है? इन विच प्लेस इज द बेस्ट ग्रेड मार्बल फाउंड इन इंडिया? तो आपने सुना होगा, यह बड़ा फेमस है, आप लोग घर में इसका मार्बल लगा भी होगा, अगर आप लोग घर में मार्बल लगा होगा तो आपने इसका बड़ा नाम सुना होगा, मकराना। मकराना सुना है ना, राजस्थान में जगह है मकराना, वहाँ का मार्बल बड़ा फेमस है, ये वर्ल्ड फेमस है, समझ लीजिए मकराना का जो मार्बल है वर्ल्ड फेमस है, और भारत में तो ये नाम से बिकता है, मकराना का मार्बल चाहिए हमको, ठीक है ना। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मकराना, जो कि राजस्थान में जगह पड़ती है, राजस्थान में है। और संगमरमर होता है केमिकल रूप से, केमिकल रूप से होता है CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सुब्रतो कप किस से संबंधित है? विथ होम इज द सुब्रतो कप रिलेटेड? फुटबॉल, क्रिकेट, शतरंज, बैडमिंटन? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने, सुब्रतो कप भी बहुत पुराना कप है और इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर है वो क्या है, उसका राइट आंसर है वो है फुटबॉल, ये फुटबॉल से संबंधित। और फुटबॉल संबंधित एक ट्रॉफी और है, वो है संतोष ट्रॉफी, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू कराया था? हु स्टार्टेड शिवाजी उत्सव एंड गणेश चतुर्थी इन महाराष्ट्र? बाला साहब ठाकरे, MG रनाडे, BG तिलक, छत्रपति शिवाजी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर सब आई थिंक सब लोग जानते ही होंगे, जो महाराष्ट्र शिवाजी उत्सव मनाया जाता है और गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, और गणेश चतुर्थी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है महाराष्ट्र के अंदर, आप देखते ही हैं। इसका जो शुरुआत सबसे की थी वो की थी बाल गंगाधर तिलक ने, यानी BG तिलक ने, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है? द जियोग्राफिकल नेम गिवन टू द ग्रास लैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया? तो बहुत टाइप के ग्रास लैंड मैंने आपको पढ़ा है, जैसे प्रेरी होता है, पंपास होता है, कंपास होता है, वेल्ड होता है, स्टेपीज होता है। तो ऑस्ट्रेलिया घास के मैदानों क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों कहा जाता है डाउंस, ऑप्शन नंबर ए डाउंस, ठीक है ना। ऑप्शन दिया वेल्ड्स, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। सवाना, ये भी अफ्रीका में पाए जाते हैं, ये उत्तरी अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और प्रेरी, ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये शीतोष्ण है, डी जो प्रेरी शीतोष्ण है, और बी और सी जो है ये हमारे कैसे हैं, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है? द इफेक्टिव ड्रग फॉर मलेरिया इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्यूनैन। तो आप सब जानते हैं मलेरिया में कुनैन की दवा का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, तो ये कुनैन हमको प्राप्त कहाँ से होता है, क्वेश्चन ये हमसे पूछ रहा है। तो आप सबने पढ़ा होगा कुनैन जो प्राप्त होता है वो सिंकोना की छाल से प्राप्त होता है, यानी बार्क ऑफ सिंकोना, ऑप्शन नंबर बी। और इसमें क्लोरोक्विनोन का उपयोग भी किया जाता है मलेरिया के इलाज में, क्लोरोक्विनोन का उपयोग भी किया जाता है, ठीक है ना। जिसके भी बीच में बहुत डिमांड बढ़ी थी जब ये COVID-19 आया था, तो अमेरिका ने, हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो उन्होंने हमको धमकी तक दे दी थी कि आप दवाई अब प्रोडक्शन कीजिए और हमको दीजिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? एल्प्स, रॉकीज, एंडीज या हिमालय? तो फ्रेंड विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, वो है आपकी रॉकीज, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स ये हमारे टॉप 50 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसका जवाब मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये सब जानते हैं, लेकिन ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, यानी संविधान में इसमें किसके बारे में, संविधान कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें इस बारे में बात करी गई है? द प्रेसिडेंट अपॉइंट अ प्राइम मिनिस्टर इन विच आर्टिकल इज डिस्क्राइब? तो आर्टिकल 61 है, आर्टिकल 70 है, आर्टिकल 75 है, आर्टिकल 85 है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है, तो इसका जवाब मुझे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है, इसका जवाब मुझे देंगे आप कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, हैव ए नाइस डे।